हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है वेलकम इंडिया स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसका फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, और एक बात आपको याद दिला दें कि इसके पहले वीडियोज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स और सारे नियम, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके नेगेटिव सेंटेंस के जो वीडियो हैं उनको बना दिया है, और हमारे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस को बनाने के नियम। फर्स्ट टाइप का रूल है जिसमें क्या शब्द हिंदी में पहले आता है, क्या आप वहाँ जा रहे हो, क्या रवि अपना काम कर रहा है, इस तरह से। तो उसके लिए नियम ये होगा, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर। वी फोर का मतलब होता है वी वन प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड ओ डब्ल्यू साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल होता है क्वेश्चन वर्ड यदि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको सबसे पहले रखना है सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाते समय। फिर ऊपर वाला सेम नियम फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के, और इससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो। तो क्या शब्द दिया पहले, तो क्या का मतलब यहाँ पर आप सहायक क्रिया पहले लाएंगे, और सहायक क्रिया कैसे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले कैसे लाएंगे, सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार इसका सब्जेक्ट यानी करता है तुम, तो तुम होता है बहुवचन यानी प्लूरल, तो आप क्या करेंगे, तुम की सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर। तो क्या करेंगे, आर सबसे पहले आर लाएंगे, आर फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब लाए, इसके बाद सब्जेक्ट तुम आर यू, फिर लाएंगे वी फोर, गो मीन जाना, गो में आई एन जी लगा दी, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग प्लस अदर वर्ड कहाँ जा रहे हो, टू कानपुर, कब जा रहे हो, टुडे, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस है, श्याम क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है, इसमें प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आया तो इसके लिए नियम फॉलो करेंगे। दूसरा वाला सेकेंड रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। श्याम क्या कर रहा है, क्या की अंग्रेजी होती व्हाट, व्हाट। अब नियम के अनुसार क्वेश्चन वर्ड लाए फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, श्याम है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, व्हाट इज। अब लाएंगे सब्जेक्ट, जैसा कि नियम हमें बता रहा है, व्हाट इज श्याम डूइंग, डूइंग मतलब वी फोर, वी वन प्लस आई एन जी, व्हाट इज श्याम डूइंग, श्याम क्या कर रहा है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस, यह माली बाग में फूल क्यों तोड़ रहा है, यह माली बाग में फूल क्यों तोड़ रहा है। तो क्यों शब्द बीच में आया यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो इसका नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस आना क्वेश्चन मार्क। तो यह माली बाग में फूल क्यों तोड़ा, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे वाई, वाई इसके बाद में माली जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सहायक क्रिया आएगी एज, ए क्वेश्चन वाई इज दिस गार्डनर, दिस माने ये, दिस गार्डनर, वाई इज दिस गार्डनर, यह माली, वाई दिस गार्डनर क्या कर रहा है, फूल तोड़ना, प्लकिंग, प्लक मीन्स तोड़ना, फूल के लिए आता है, वाई इज दिस गार्डनर प्लकिंग, क्या तोड़ता है, फ्लावर्स, यह माली बाग में फूल क्यों तोड़ रहा है, वाई इज दिस गार्डनर प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। वाई इज
दिस गार्डनर प्लग इन फ्लावर्स इन द गार्डन, ये वो सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, क्या मोहन लाल पतंग उड़ा रहा, क्या मोहन लाल पतंग उड़ा रहा, इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो क्या के लिए हम जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट के अनुसार साइक्रे लगाते हैं, मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, इसे साइक्रे लगाएंगे इज, इज मोहन, उड़ाना मतलब होता है फ्लाई, इज मोहन फ्लाइंग, क्या मोहन उड़ा रहा है, कैसी पतंग, रेड, रेड मीन्स लाल, रेड काइट, क्वेश्चन मार्क, इज मोहन फ्लाइंग रेड काइट, लाल पतंग। सुधा तुम्हें क्यों बुला रही है, क्यों, प्रश्न मतलब सब बीच में आया इसलिए इसकी अंग्रेजी हम पहले रखेंगे वाई, सुधा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लगाएंगे साइक्रे इज, वाई इज सुधा, वाई सुधा किसको बुला रही, तुम्हें, क्या कर रही, बुला रही, वाई सुधा कॉलिंग किसको बुला रही, यू, सही ना क्वेश्चन है। अगला सेंटेंस है, मेरे पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे, मेरे पिताजी तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे पिताजी तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए होगा मेरे पिताजी तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पिताजी तुम्हें क्या पढ़ा रहे, क्या की अंग्रेजी पहले लाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, क्या पहले रखेंगे, तो व्हाट, व्हाट फिर लाएंगे साइकिल इज, व्हाट इज माई फादर, व्हाट इज माई फादर, पढ़ाना मतलब टीच, तो टीचिंग, व्हाट इज माई फादर टीचिंग, किसको पढ़ा रहे, यू, यू माने तुम्हें, सही ना क्वेश्चन, व्हाट इज माई फादर टीचिंग यू। अगला सेंटेंस है, ये बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, तो क्यों बीच में आया, तो साइक्रिया इसमें क्यों बीच में अगर आया है तो प्रश्न शब्द पहले रखेंगे वाई, अब बच्चे बहुवचन है तो क्या करेंगे साइक्रिया आर लगेंगे, वाई आर, ये बच्चे, दी चिल्ड्रन, वाई आर दी चिल्ड्रन, शोर मचाना, मेकिंग नॉइज, किचन, वाई आर दी चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज। अगला सेंटेंस है, मदन बाग में फूल क्यों तोड़ रहा है, क्यों, तो करेंगे वाई इज मदन प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर्स, कहाँ पर, इन द गार्डन, गार्डन कर दीजिए यहाँ पे, चिन्ह। अगला सेंटेंस है, क्या चिड़िया सुंदर गाने नहीं गा रही हैं, तो क्या करेंगे इसको बनाएंगे, क्या चिड़िया सुंदर गाने नहीं गा रही हैं, तो क्या सबसे पहले आया है और साइक्रिया इसकी आगे आएगी, तो साइक्रिया आएगी सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट है चिड़िया, तो चिड़िया मतलब बहुवचन, तो क्या करें आर द बर्ड्स, आर द बर्ड्स, इसमें नहीं भी लगा है तो नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आर द बर्ड्स नॉट सिंगिंग, आर द बर्ड्स नॉट सिंगिंग, कैसे गाने, सुंदर गाने, स्वीट सॉन्ग्स, क्वेश्चन, आर द बर्ड्स नॉट सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस बनाना, और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने बड़े आराम से और विस्तार से आपको इस वीडियो में टेंसेस को बनाना
किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उनको बनाना सिखाया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।